ऐसे लोगों का श्राप जो है, ये सब भस्मासुर हैं। रणदीप सुरजेवाला जी ये स्वयं को और कांग्रेस को ही नष्ट करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से समाप्त पार्टी बन गई है उत्तर प्रदेश में। 2024 के होने वाले चुनाव से पहले ही बयानबाजी के द्वारा यूपी की सियासत गर्मा गई है। हाल ही में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर हरदोई जिले में प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पलटवार किया है। जेपीएस राठौर ने कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें भस्मासुर बताते हुए कहा कि उनका और उनकी पार्टी का नाश होगा। जेपीएस राठौर ने आगे कहा कि ये सब भस्मासुर हैं। रणदीप सुरजेवाला जी ये खुद को और कांग्रेस को ही नष्ट करेंगे। इनके श्राप देने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और फलेगी, फूलेगी और इस भस्मासुर के ही खुद का नाश होगा और कांग्रेस का नाश होगा। ऐसे लोगों का श्राप जो है, ये सब भस्मासुर हैं। रणदीप सुरजेवाला जी ये स्वयं को और कांग्रेस को ही नष्ट करेंगे। इनके श्राप देने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और फलेगी फूलेगी और इस भस्मासुर के ही खुद का नाश होगा और कांग्रेस का नाश होगा। इसके अलावा जेपीएस राठौर ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से समाप्त पार्टी बन गई है। उत्तर प्रदेश में अब उनके पास कुछ नहीं रहा। समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ना रहने के बाद से पूरे तरीके से दिशाहीन हो गई है, पूरे तरीके से मुद्दा विहीन हो चुकी है और पूरे तरीके से जन आधार विहीन भी हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से समाप्त पार्टी बन गई है उत्तर प्रदेश में। अब उनके पास कुछ रहा नहीं। समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ना रहने के बाद से पूरी तरीके से दिशाहीन हो गई है, पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गई है और पूरी तरीके से जनाधार विहीन भी हो गई है। कोई ना जनाधार है, ना मुद्दा है और ना ही कोई दिशा है समाजवादी पार्टी के पास। तो अब उनका भविष्य आप 2024 में देख लीजिएगा और उसके बाद जो भी बाई चांस कुछ थोड़ा बहुत 10-5% बच जाएगा 2027 में, वो भी समाप्त। 1947 में हुए देश के बंटवारे पर जेपीएस राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विभाजन तो निश्चित रूप से हम गलत मानते हैं। हम अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं। हम तो अफगानिस्तान तक को अपने भारत का अंग मानते हैं और आगे चाहेंगे कि भारत का साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैले। नहीं, विभाजन तो निश्चित रूप से हम लोग नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। विभाजन को निश्चित रूप से गलत मानते हैं। हम अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं। हम तो अफगानिस्तान तक को अपना भारत का अंग मानते हैं और आगे चाहेंगे कि अफगानिस्तान तक भारत का साम्राज्य फैले। इस वक्त यूपी का सियासी पारा बढ़ा हुआ है और चुनाव से पहले हो रही बयानबाजी ने सूबे में नई बहस छेड़ दी है।